लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाके छोले भटूरे तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन घर पे अगर बाहर जैसे छोले भटूरे बन जाए, भटूरे फूले फूले हों, ऐसे हों और छोले इतने बढ़िया हों, और हाँ ये सारी घर की चीज़ों से ही बनेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालूंगा इसमें जो आपको ना मिले, लेकिन स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। तो दोस्तों आप इस छोले भटूरों की रेसिपी इस लॉकडाउन में ज़रूर ट्राई करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ये छोले भटूरे आधे घंटे में ही बना लो, तो उसका भी बनाने का प्रोसेस है पूरा। तो सबसे पहले आप यहां पर भटूरे का आटा लगाना। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए सबसे पहले मैंने परात पे 2 कप मैदा डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सूजी डाली है, सूजी भटूरों को हल्का सा कड़क बनाने के लिए। साथ में आपने यहाँ पर दही डालनी है 1/4 कप, नमक, थोड़ी सी चीनी, और भटूरों को अंदर से नरम बनाने के लिए आप इसमें देसी घी जरूर डालना। तेल मत डालना, कोई सैचुरेटेड फैटी डालना जैसे कि डालडा या देसी घी, मैं तो देसी घी ही बोलूंगा क्योंकि वही बेटर रहता है। हल्का सा मिलाने का, नहीं तो मोइन बन जाएगा, ज्यादा बिल्कुल मत मिलाना। फिर आप इसमें 1 सैचेट इनो का डाल। देखो आप यहाँ पर कोई भी राइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते, इनो, बेकिंग पाउडर, इनफैक्ट अगर घर में ये नहीं है तो आप लिम्का का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पर अब गर्म पानी डालना है, तो मैंने यहाँ पर पहले 1/2 कप गर्म पानी डाला है, उसको अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया है, आटा लगाना शुरू कर दिया है, और फिर 1/4 कप और गर्म पानी डाला है और अब उसको भी मिलाना शुरू कर दिया है। जब सारा आटा एक साथ जुड़ जाएगा ना, आप हाथ में थोड़ा सा देसी घी लेना या तेल लेना और आटे को स्मूथ आउट करना शुरू करना। हमें आटा अच्छे से मलना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ग्लूटेन डेवलप करना है। तो मैंने तो अब ये किया है कि इसको सीधा ही अपने स्लैब पे ट्रांसफर कर दिया है और अब इसको आप देख सकते हो मैं कैसे अच्छे से मल मल के लगा रहा हूँ। ऐसा करने से आटा भी स्मूद आउट हो जाएगा और जो आप इसमें क्रैक्स देख रहे थे ना, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल इवन सा आटा लग जाएगा और ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा। आटा पूरा सेट हो चुका है, अब इसको हल्का सा रेस्टिंग पीरियड देना है, अब इसको ट्रांसफर करना फिर से परात पे। इसको चिकना करने के लिए आप थोड़ा सा तेल लगा देना और फिर इसको हल्के गीले कपड़े से ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। बिल्कुल उतनी ही देर में हमारे छोले भी बनकर तैयार हो जाएंगे। सीरियसली अब छोले अगर जल्दी बनाने हैं तो आपने ये करना है कि आपने छोलों को रात भर पहले ही भिगा कर रखना होगा, और अगर छोलों में आपने बिल्कुल बाजार वाला स्वाद लाना है तो आपको एक रिएक्शन करना ही पड़ेगा, वो है चाय का और सोडे का। तो मैंने यहाँ पर चाय को उबलने के लिए रख दिया है, जी हाँ, पानी में चाय पत्ती डाली है 2 टीस्पून और उसको अच्छे से थोड़ा सा काट लिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप हाई फ्लेम पे करोगे, चाय अपने आप ही अपना फ्लेवर छोड़ना शुरू कर देगी पानी में। तो इसको आप जैसे ही उबलने लग जाए इसको साइड में करना और कुकर में आप छोलों को ड्रेन आउट करके डाल लेना। अब देखो छोलों को अगर आपको बढ़िया तरीके से गलाना है ना, बिल्कुल बाजार जैसे, तो उसके लिए सबसे जरूरी है छोलों का जो एक छिलका है ये निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पानी इतने अंदर तक जाएगा ना तभी छोले जो है वो अच्छे से गलेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि छोलों में उबालते हुए पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, जस्ट छोलों को टच करता हुआ पानी होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पर नमक भी डाल देना। आप यहाँ पर खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग ये सब डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी के पास अभी ऐसे खड़े मसाले हैं नहीं। छोलों को बाजार जैसा फ्लेवर देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पर 1/2 चम्मच तक बेकिंग सोडा डालना, जी हाँ, मीठा सोडा भी कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, और जो चाय पत्ती हमने उबाली थी ना उसको छान के उसका पानी डाल देना। कुकर का ढक्कन लगाना, गैस को लो फ्लेम पे कर देना और आपने 5 से 6 सीटियां लगानी है लो फ्लेम पे। जब तक सीटियाँ लग रही है, प्रेशर कुकर ठंडा होगा, पूरा अपना टाइम लेगा, तब तक आप इसको दूसरी गैस पे रख दो और हम यहाँ पर अपना एक तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है, प्याज लिए हैं, धनिया लिए है, अदरक लिए है और हरी मिर्च लिए है, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। प्याज को बस आपने एकदम फाइनली चॉप कर दिया है और जो अदरक है उसको मैंने आधी अदरक को ऐसे लंबा लंबा काट लिया है क्योंकि मैं इसको बाद में डालूंगा, और आधी अदरक को हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने मिक्सी में टमाटर डाल दिया है, अदरक डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है।
अगर आप ग्राइंड नहीं कर सकते, घर में मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घिस सकते हो टमाटर को और बाकी चीजें आप काट कर डाल सकते हो। तो फटाफट से अब मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए आपने बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है, अ पिंच ऑफ हींग भी डाल देना, और 1 चम्मच तक मैंने यहाँ पर जीरा डाला है। जैसे ही जीरा अच्छे से सिजल करे, जी हाँ सिजल करना बहुत जरूरी होता है जीरे को, तभी उसका फ्लेवर निकल कर आता है। फिर आप यहाँ पर प्याज डाल देना, और देखो छोलों का अच्छे से फ्लेवर लाने के लिए आपको प्याज को मीडियम फ्लेम पे आराम से बिल्कुल अच्छे से पकने तक पकाना होगा, यानी कि ब्राउन होने चाहिए प्याज। मेरे हिसाब से अगर बढ़िया फ्लेवर चाहिए तो थोड़ी मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आप इसको अच्छे से भून लेना यहाँ पर प्याज को, और जब प्याज का कलर हल्का हल्का टर्न होना शुरू हो जाए, ये देखो आप गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है प्याज में, फिर मैं यहाँ पर मसाले डालूंगा ताकि मसाले भी थोड़े भुन जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है, बाकी मसाले बाद में डालूंगा, और आप खुद ही देखना कि ज्यादा मसाले बिल्कुल नहीं होंगे। बस अब यहाँ पर लाल मिर्च और हल्दी को थोड़ा सा भून लेना ताकि कलर बहुत बढ़िया आए, फ्लेवर एकदम निखर कर आएगा छोलों का। यही राइट टाइम है कि आप यहाँ पर टमाटर, अदरक और मिर्च का जो पेस्ट था वो आप यहाँ पर डाल दो। साथ में यार टमाटर आ गए हैं तो नमक तो डालना बिल्कुल मत भूलना। और अब आपने यहाँ पर तब तक पकाना है जब तक टमाटर जो है वो तेल छोड़ना शुरू नहीं करते, थोड़ी ही देर में हो जाएगा। जैसे ही वो तेल छोड़ना शुरू कर देंगे, आप यहाँ पर इस टाइम पे धनिया पाउडर डाल देना। लगभग 3 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। जी हाँ, थोड़ा ज़्यादा डलता है छोलों में धनिया, और क्योंकि मुझे पता है कि घरों में लोगों के पास अनारदाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर आमचूर डाल देना 2 टीस्पून तक। अगर घर पे अनारदाना पड़ा है 2 टीस्पून आपने अनारदाना डालना है, नहीं तो आमचूर पाउडर से भी बहुत अच्छे छोले बने। अच्छा, फटाफट से छोले मेरे ठंडे हो गए हैं, कुकर मेरा ठंडा हो गया, ढक्कन को खोलते हैं और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि छोले कैसे उनकी जो छिलके हैं ऊपर की तरफ आए हुए हैं। वो ही मेन फंडा है छोलों को बढ़िया गलाने वाला, जो कि सोडा की वजह से होता है, क्योंकि सोडा छोले की सरफेस को इफेक्ट करता है। अब आप छोले ट्रांसफर कर देना इस तड़के में, आपने गरम मसाला डालना है अच्छे से, 1 चम्मच भर के डालना, क्योंकि हमने कोई खड़े मसालों का तो इस्तेमाल करा ही नहीं है। अदरक और हरी मिर्च डाल देना और कटा हुआ धनिया डाल देना। बस छोले लगभग बन के पूरे तैयार है। एक लास्ट चीज डालनी है, मेरी सबसे फेवरेट चीज है, वो है भुनी हुई कसूरी मेथी। या अगर घर पे पड़ी है तो जरूर डालना, आप देखना फर्क बहुत आता है इस एक इंग्रेडिएंट से। और एंड में अगर बाजार जैसे बनाने हैं तो थोड़ा सा मक्खन डाल देना, मक्खन डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो ऊपर से, कई लोग घी डालते हैं, कई अच्छे रेस्टोरेंट वाले बटर भी डाल के रखते हैं, तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अच्छा, फटाफट से आप भटूरे बना लेते हैं। बहुत सिंपल है भटूरे बनाना। आप आटा देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है। पहले मैं आटे से पेड़े निकाल लूंगा, यानी कि लोइया तोड़ लूंगा। लेकिन भटूरों की लोइया तोड़ने का जो तरीका है वो ऐसे है कि आपको हाथ में ऐसे प्रेस करके ऐसे लोई तोड़नी है। इससे होता यह है कि जो पेड़ा होता है ना उसमें कोई भी क्रैक नहीं आता, ऐसे भटूरा इवनली पक पाएगा और कोई क्रैक नहीं होगा ना, वो फटेगा नहीं। तो एक एक करके आप ऐसे लोइया निकाल लेना, हल्का सा उस पर तेल लगा देना, नहीं तो आटा जो है वो सूख जाएगा और भटूरा सही नहीं बन पाएगा। और बस अब आपने इसको बेल लेना है। हाँ, लेकिन भटूरा बेलते हुए ध्यान ये देना है, कोई सूखा आटा बिल्कुल मत लगाना। सूखा आटा लगाने से भटूरा ड्राई हो जाएगा, सही नहीं बनेगा बिल्कुल। आप तेल की हेल्प से ही इसको बेलना। इनिशियली आपको लगेगा कि ये तो वर्ल्ड मैप बन जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको पलटना, क्योंकि ये आटे में ग्लूटेन बहुत है तो थोड़ा स्ट्रेची है। आप पलट के जब आप बेलोगे ना, जब आप खींचना शुरू करोगे तो आराम से खींचता चला जाएगा। तो जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना, और जो साइड्स है ना, साइड्स पे थोड़ा आप ध्यान देना कि इनको ज्यादा पतला, साइड्स को ज्यादा पतला नहीं करना। बस आप इसको खींचते खींचते बेलते जाना। और अब आपने एकदम गरम गरम तेल में, इतना गरम तेल होना चाहिए कि उससे धुआं निकल रहा हो। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि मेरी कढ़ाई में तेल कम है, कढ़ाई बड़ी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भटूरों को फुलाने के लिए। तो इस सुपर हॉट तेल में आप भटूरे डाल देना, और जैसे ही आप भटूरे डालोगे आप फटाफट से गरम गरम तेल ऊपर से भी डालना, और भटूरा एकदम फूल कर आएगा। बस एक ही बात का आपने ध्यान देना है कि तेल एकदम पाइपिंग हॉट होना चाहिए।
पाइपिंग हॉट होगा तो दोनों तरफ से जब गर्म तेल से पकेगा एकदम पाइपिंग हॉट तेल से, तभी भटूरा सही से पकेगा और सही से फूलेगा। आप खुद ही देख सकते हो कि मेरा भटूरा कैसे फूल रहा है। बस यही थी दोस्तों कहानी, बिल्कुल बाजार जैसे छोले भटूरे बनाने के लिए। लॉकडाउन में आप ये जरूर बनाना, मुझे पता है आप यादें तो ताजा होंगी बट हाँ दिल भी बहुत खुश होगा। ऐसे टाइम पे घर में सबको खुश रखें और ये जो लॉकडाउन के दिन है उनको आप एंजॉय करें। अब ये देखो भटूरा अंदर तक सही से पका हुआ है ना, तो दोस्तों आप इनको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे।